बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लज़त कड़ा पकवान के से आप तमाम ही दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। तो जी आप लोग जी बिल्कुल ज़रूर जो है समझ गए होंगे कि जी गाजर को देख के जी आज क्या बन रहा है। तो जी बिल्कुल सही समझे हैं जी आप लोग। तो जी आज बन रहा है जी गाजर का हलवा। तो जी गाजर कितनी है और कितनी गाजर होगा जो है हलवा तैयार होगा, तो जी ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो जी हमने जी गाजर को जी हमने अच्छे से जी छील लिया है जी। एक एक गाजर जी हमारी छिली हुई है और साथ ही जो हमारी गाजर जो है वॉश भी हुई हुई है। गाजर को छीलने के और वॉश करने के बाद जो हम फिर गाजर को जो हम कद्दूकश कर रहे हैं। तो वीडियो फुल देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो जी गाजर का जो वज़न है, तो जी ये वज़न है जी गाजर का 100 किलो। तो जी हम 100 किलो गाजर का हम हलवा तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं जी इस टाइम जो है गाजर का जो है कद्दूकश किया जा रहा है। तो एक एक गाजर जो है हमारी बिल्कुल जो है साफ है और जो है वॉश भी हुई है जी अच्छे से जी हमारी गाजर। तो ये 100 किलो गाजर का जो हम हलवा है, तो जी वो हम जी कमेंट बॉक्स में तैयार कमेंट्स करके करेंगे। ज़रूर तो बताइएगा आप क्या जी आपको हमारी आज की गाजर की रेसिपी जी कैसी लगी। तो जी गाजर बनाने की जो है काफ़ी सारी रेसिपी हैं। तो जी एक रेसिपी ये भी है कि गाजर का हलवा जो है काफ़ी तरीक़ों से जी तैयार किया जाता है। तो जी ये देख सकते हैं जी इस टाइम जो है गाजर जो है हमारी कद्दूकश की जा रही है इस टाइम पे जी। तो हमारी जो 100 किलो गाजर है, तो जी वो हमारी कद्दूकश हो चुकी है। तो देख सकते हैं जी हमारी जो गाजर है वो कद्दूकश हो गई है। तो जी अब ये एक डेग में जी हमने पानी शामिल कर दिया। तो जी अब हम इस डेग में जो है हम गाजर को जी हम शामिल करेंगे। तो ये देख सकते हैं जी इस टाइम जो है गाजर को जो है पानी में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि गाजर को जो है हम करेंगे जी बॉयल। तो जी गाजर को जी हमें उबालना है। तो जी साथ ही देख सकते हैं जी पानी में जो है हम गाजर को शामिल कर रहे हैं। तो एक बड़ी डेग में हमने ले लिया। तो जी 100 किलो जो गाजर जो हमने कद्दूकश किया है, तो जी वो हम इस देख में शामिल कर देंगे जी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जी गाजर बनाने के जी काफ़ी सारे तरीके हैं। तो जी ये एक तरीका ये भी है कि जी पहले गाजर को जो है गाजर का हलवा बनाने के लिए जो है पहले गाजर को जी बॉयल किया जाता है। तो देख सकते हैं जी इस टाइम जो है गाजर जो है इसमें पानी में जी शामिल की जा रही है जी। गाजर जो हमारी 100 किलो, तो जी वो देख में जी शामिल हो चुकी है। तो जी कद्दूकश कर जी हमने इसमें देख में शामिल कर दिए गाजर। तो जी अब गाजर को जो है अब हम उबालेंगे। तो जी गाजर जी देख सकते हैं जी हमारी जो है कितनी अच्छी तरीके से जी हमारी उबल चुकी है। तो जी अब गाजर को जो है हम जो है अलग कर लेंगे जी पानी से। तो देख सकते हैं जी छन्ने में जो है गाजर को जो है निकाला जा रहा है। देख सकते हैं जी गाजर जो है हमारी 100 किलो गाजर है, तो जी वो हमारी अच्छे से जो है हमारी उबल चुकी है। तो इसको जो है आप हम जो है हम निकाल लेंगे जी टोकरी में। तो ये देखिए जी 100 किलो गाजर है हमारी। ये तो हमारी गाजर जो है जी हमने कद्दूकश किया था, तो जी वो हमारी जी पानी से जी हम बाहर निकाल रहे हैं। तो जी देख सकते हैं जी 100 किलो गाजर जो है हमारी जो है उबल चुकी है। देख सकते हैं जी हमारी 100 किलो जो गाजर है, तो जी वो हमारी उबल चुकी है। तो जी अब इसको जो है हम पानी खुशक करने तक जी हम गाजर का इंतजार करेंगे। तो देख सकते हैं जी हमारी गाजर का जो पानी खुशक हो गया था, जो हमने गाजर को जी हमने देग में शामिल कर दिया है जी। तो हम जो है गाजर का हलवा बनाएंगे। तो जी दो देगों में बनाएंगे जी, 50-50 किलो की जी दो देगें हम तैयार करेंगे हलवे की। तो देख सकते हैं जी पहले जो है हमने थोड़ी जो है हमने गाजर नीचे रखी थी, उसके ऊपर फिर हमने चीनी शामिल की है। तो ऐसे ही जो है हम जो है ऊपर जो है इसके ऊपर जी एक और जो है गाजर की जी हम लेयर लगाएंगे। तो देख सकते हैं जी दोबारा से जी इस पर गाजर की जी लेयर लगाई जा रही है। तो साथ ही साथ जो है इसमें गाजर जी दोबारा शामिल करेंगे। जो 50-50 किलो जो है हम दो जगह हम गाजर का हलवा तैयार करेंगे। तो साथ ही जो है इसका चूल्हा भी खोल लेंगे हम। तो देख सकते हैं जी, तो पहले हमने गाजर शामिल करी, उसके ऊपर चीनी, फिर जो है गाजर, फिर दोबारा से चीनी। तो चीनी का वजन जो है 50 किलो में जो है हम 10 किलो लेंगे। तो 50 किलो में चीनी जो है हम 10 किलो लेनी है। तो ये देखिए जी दूसरी देग भी है ये हमारी। तो मैं आपको जो बताऊंगा, तो जी वो 50 किलो हलवे की जो रेसिपी है, तो जी वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जी दूसरी देग में भी जो है इसी तरीके से जो है गाजर और चीनी को जो है शामिल किया गया है। जब गाजर और चीनी को जो हम जिस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि गाजर चीनी, फिर गाजर फिर चीनी जब उस तरीके से कर देंगे, तो फिर इसको जो है फिर हम जो है मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं जी इस टाइम जो है गाजर को जो है चीनी के साथ जी मिक्स किया जा रहा है। तो ये हमारी दूसरी देगी, तो ये भी इसी तरीके से मिक्स हो रही है। तो जी मैं आपको जो रेसिपी बताऊंगा, तो जी वो रेसिपी बताऊंगा मैं आपको 50 किलो की। इसमें जो है हम कफगीर चलाते रहेंगे। देख सकते हैं इस टाइम जो इसमें कफगीर भी चलाया जा रहा है। तो चीनी
और जो गाजर का पानी है तो जी इसको जी हमें पकाना है। तो जी साथ ही जो है हम इसके अंदर जायफल जावित्री का जी हम पाउडर है इसमें हम शामिल करेंगे। तो जायफल जावित्री का पाउडर इसमें 125 ग्राम है। तो ये देख सकते हैं जी जायफल जावित्री जी हमने इसमें 125 ग्राम में शामिल कर दिए है। तो साथ ही जो है जब जायफल जावित्री हम इसमें शामिल कर देंगे तो इसके बाद हम जो है छोटी इलायची हम शामिल करेंगे। छोटी इलायची भी जो है हम 125 ग्राम इसमें शामिल करेंगे, देख सकते हैं जी। इसके बाद जो है अब हम जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो है हमारा गाजर और चीनी का जो पानी है तो जी वो हमारा पक जाए। तो जिसमें जो है हम कप घी चलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं जी इस टाइम जो है गाजर की तैयारी चल रही है इस टाइम, और साथ ही जो है इसमें कप घी भी चलाया जा रहा है। तो इसका जी पानी खुशक होने तक के जो है हम इसमें जी कप घी चलाते रहेंगे ताकि जी इसका पानी जो है वो पक जाए। तो साथ ही जो है इसका जब पानी जी जब पक जाएगा तो इसमें जी हम बीच में जो है गड्ढा कर देंगे, और साथ ही जो है इसके अंदर जी हम खोया शामिल करेंगे। खोए का वजन है इसमें 10 किलो। तो देख सकते हैं 10 किलो खोया इसमें शामिल कर दिया है। तो खोया शामिल करने के बाद इसको जो है अब हम जो है गाजर से जी इसको हम पैक कर देंगे खोए को। तो जी हमने जी दम पे लगा दिया है गाजर के हलवे को। तो देख सकते हैं जी बिल्कुल जो है ये पैक हो गया। तो 10 किलो खोया अभी हमने शामिल किया है, बाकी जो खोया है तो जी वो जो है हम बाद में शामिल करेंगे। तो उस टाइम जो है शामिल हो चुका है जी खोया शामिल करने का। इसके अंदर हम जो है अब देसी घी शामिल करेंगे। तो जी 50 किलो में जो है 10 किलो खोया शामिल करा है, और जो है उसके अंदर जो हम देसी घी 1 किलो में शामिल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं जी आप कि इसमें जी देसी घी भी जो है शामिल हो चुका है। तो जो मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ तो जी वो मैं आपको 50 किलो गाजर के हलवे की रेसिपी में आपको बता रहा हूँ। आधे घंटे तक जो है हमें जो है गाजर को खोए को जो है दम पे रखना है ताकि जो है खोया जो है गाजर में जी अच्छी से दर्द रहे। तो देख सकते हैं जी आधे घंटे बाद जो है अब इसको जो हम कफगीर की मदद से जो है हम इसको मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं जी इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है खोया जो है दर्द हो चुका है जी गाजरों के साथ। इसको जो अब हम मिक्स कर लेंगे और हमारा जो हलवा है वो हमारा तैयार हो चुका है। टाइम गाजर का हलवा थाल थाल देख पे अच्छे से जी और ये भी आ रहा नीचे से घी का थाल रखा हुआ ना। हमारा जो हलवा है तो जी वो तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं जी हमारी जो 10 किलो जो हमारा खोया तो जी वो भी हम इसमें शामिल करेंगे जी। मैंने आपको जो है 50 किलो हलवे की रेसिपी शेयर की है तो जी वो देख सकते हैं जी आप। तो हमारा हलवा जी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो जी एक डेग में जो है 20 किलो खोया शामिल किया है हमने 50 किलो में। तो साथ ही जो है इसमें ड्राई फ्रूट भी शामिल करेंगे। तो जी बादाम अखरोट किशमिश जो है इसमें जी शामिल है जी 750 यानी 3 पाव यानी कि जी 50 किलो की डेग में जो है 3 पाव यानी 750 ग्राम जी हमने इसमें चीज़ें शामिल करी हैं। और साथ ही जो है 750 ग्राम जो है पाँचों मगज भी इसमें हम शामिल करेंगे यानी कि जी 3 पाव पाँचों मगज भी हम इसमें शामिल करती हैं। तो जी बादाम अखरोट किशमिश पाँचों मगज जो है 50 किलो में के हलवे में जी हमने 750 ग्राम ने ये शामिल किया है। तो और साथ ही जो है इसकी जी खूबसूरती के लिए भी हमने इस पर जी चांदी के वर्क जी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। देख सकते हैं जी दोनों देखिए हमारी तैयार हो गई हैं। तो साथ ही जब ये हमारी तैयार हो जाएगी तो इसके ऊपर फिर हम जो है देसी घी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जी एक 50 किलो की देग में जो है हमने जी घी शामिल किया है, 2.5 किलो जी हमने इसमें घी शामिल किया है। तो देख सकते हैं जी हमारा जो हलवा है तो जी गार्निशिंग के बाद जो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो साथ ही जो है वीडियो पसंद आए तो जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएगा जी आपको हमारी आज की गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। तो जी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।